नो भद्रा क्रतवो जन्तु भविष्यतो अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम् महर्षि गौतम, महर्षि जमदग्नि, उसके बाद महर्षि विश्वामित्र, जिन्हें कहा जाता है कि वो गायत्री मंत्र के दृष्टा हैं और आनुवांशिक विज्ञान और अस्त्र शस्त्र की विद्या के ज्ञाता, और यही भारत जिसे पहले विश्वगुरु के नाम से जाना जाता था। उसके बाद महर्षि भारद्वाज, जो स्वयं देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं, ऋग्वेद के छठे मंडल के दृष्टा हैं, और भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता, और जो विज्ञान शास्त्र है उसके रचयिता हैं। साथ ही महर्षि अत्रि, जो कि ब्रह्मदेव के नेत्र से उत्पन्न है, ऋग्वेद के पांचवें मंडल के दृष्टा और वनवासी श्री राम के मार्गदर्शक, और अत्रि इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये महाकाल पथ की तस्वीरें, जिसमें इस वक्त मंडपम जिसे कहा जाता है, और ये बहुत ही अत्यंत मनोहारी दृश्य त्रिपुर वध का। त्रिपुर एक महान दानव जिसे भगवान श्री शिव ने एक ही बाण में त्रिपुरासुर का वध किया, और इस रथ का संचालन स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने किया था। ये इस अत्यंत मनोहारी दृश्य के माध्यम से आपको त्रिपुर वध की जो कथा है वो आप तक पहुंच रही है।